हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर डिस्कसिंग क्वेश्चन 91 ऑफ केवीपीवाई एसएक्स क्वेश्चन पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन 19 नवंबर 2017. लेट्स ऑब्जर्व व्हाट दिस क्वेश्चन सेज. वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज द फॉलोइंग फोर रिवर्सिबल प्रोसेसेस. स्टेप वन, इट इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम 8 to 1, देन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1 टू वॉल्यूम 10 m³, then expanded adiabatically to volume 80 m³, then compressed isothermally at temperature T2 to volume 8 m³, then T1 by T2s. So basically, इस question के साथ में हमें figure नहीं given था, and next slide पर मैंने यहाँ पर figure ये introduce कर दिया, right? So please observe कीजिए कि process 1 start actually यहाँ से होती है. Process 1, 2, 3 and 4 are mentioned here. 1 से 2 adiabatic compression है, right? Starting from 8 m³ to 1 m³, right? Compression हुआ है. Then उसके बाद expansion है 2 से 3, right? Isothermal expansion at temperature T1, so that कि T3 पर हमारे पास volume 10 आ जाएगा, and then adiabatic expansion, volume at location 4 is 80 m³, right? And then उसके बाद finally T2 temperature पर 4 से 1 process आपकी isothermal compression हो जाएगी, right? सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर T1 एंड T2 का रेशो क्या है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इनकेस अगर आप फैमिलियर हैं कि प्रोसेस इक्वेशन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए क्या होती है, राइट? सो कंसीडर कर लेते कोई भी एक एडियाबेटिक प्रोसेस से, फॉर एग्जाम्पल 3 से 4. इस केस में एडियाबेटिक एक्सपेंशन है 10 m³ से 80 m³, राइट? अगर हम प्रोसेस इक्वेशन की बात करें, सो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रोसेस इक्वेशन विच is relating, which is going to relate the temperature and volume is given by this equation T times V to the power gamma minus 1 equals constant, right? So ये process equation होती है. So basically इस process equation को use करके आप T1 by T2 लिख सकते हैं, which is going to be V2 by V1 whole to the power gamma minus 1. So मुझे पता है final pressure V2 कितना, final volume sorry, V2 कितना है 0.4 पर, and initial volume इनिशियल वॉल्यूम कितना है 0.3 पर, राइट? सो ये हो जाएगा 80 by 10 होल टू द पावर गामा. गामा फॉर अ मोनो एटोमिक गैस इज 5 by 3, राइट? आई थिंक आप सभी को ये याद होगा. सो फाइनली हमारे पास आ जाता है 8 to the power 2 by 3, एंड दिस इज इक्वल टू 4. सो डायरेक्ट आंसर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए कि इसे एड्रेस कैसे करना है, ठीक है? सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. एंड इन केस वेदांत विक्लव्य के बारे में आप अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.